दोस्तों, अगर आप भी पिक्सेल एलईडी से अपने घर को सजाना चाहते हो लेकिन आपसे कनेक्शन करने नहीं आते, और उसी के साथ में अगर आप भी एस टाइप जेड टाइप कनेक्शन से परेशान हो चुके हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए ही बनाया गया है। इस वीडियो के अंदर जो कंट्रोलर मैंने आपको दिखाया है वो एकदम सिंपल है, और उसके अंदर मिलते हैं आपको बहुत ही ज्यादा कमाल के इफेक्ट, अप डाउन लेफ्ट राइट सारे ही तरीके के आपको इफेक्ट उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज, अगर आप भी प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। इस वीडियो के अंदर आपकी सारी ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो हेलो गाइज, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं क्रिएटिव जीएस। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर पेश है आपके लिए ये कमाल का कंट्रोलर। तो आप देख सकते हो ये है एक आईसी कंट्रोलर है और ये पैरेलल पे वर्क करता है। आप देख रहे हो हर एक पिक्सल के लिए, यानी कि हर एक झालर के लिए, P1 यानी कि पहली झालर, P2 दूसरी झालर, P3 तीसरी झालर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 इस तरफ यानी कि 20 झालर। तो ये सब जो है आपकी पैरेलल में चलने वाली है। यहाँ पर इस कंट्रोलर के अंदर ये जो आप देख सकते हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा पावर सप्लाई से। कभी आप डायरेक्ट इनको भाई इलेक्ट्रिसिटी में लगा दो तो उसका कोई भी यहाँ पर झंझट नहीं है। तो ये दोनों आपको कहाँ पर पावर सप्लाई में 5 वोल्ट, 60 एम्पियर, 70 एम्पियर, जो भी आप देना चाहो वो आप दे सकते हो। तो देख सकते हो गाइस, ये जो है हमने ब्लैक कलर के ऊपर बनाया है और ब्लैक कलर के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारा 20 पोर्ट वाला आईसी पैरेलल कंट्रोलर। तो अब इसके लिए कनेक्शन पट्टा कैसे बनता है उसकी मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। तो देखो, आपको क्या करना है, एक सॉकेट लेना है आपको मेल वाला, ठीक है। और हर एक मेल सॉकेट को इस तरीके से आपको एक मेल सॉकेट लेना है, और मेल सॉकेट को क्या करना है, देखो ये जो वायर है पॉजिटिव वाला ये जाएगा हमारा पावर सप्लाई में पॉजिटिव पार्ट पे, ये जो ब्लू वाला वायर है ये जाएगा हमारा पावर सप्लाई के नेगेटिव पार्ट पे। तो पॉजिटिव नेगेटिव झालर को जो है कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। देखो ये पॉजिटिव वाला पार्ट यानी कि जो रेड वाला है रेड वाले में वायर में जुड़ गया है, वाइट वाला जो है वो जुड़ा है हमारे ब्लैक यानी कि जो हमारा ब्लू वाला वायर है, जो कि एक एज ए नेगेटिव काम करेगा, ठीक है। तो झालर को जो है पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों वायर से जाएगा, और डाटा जो है मैंने आपको बताया जोन से भी आप झालर जोड़ रहे हो, मान लो आप पहली झालर जोड़ रहे हो तो डाटा कहाँ से जाएगा आपका P1 में से, डाटा कहाँ से जाएगा आपका दूसरी झालर जोड़ रहे हो P2 में से। इसी तरीके से देखो, मैंने यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन और यहाँ पे चार मेल सॉकेट जो है, पूरे 20 मेल सॉकेट यूज़ किए हैं, तो 20 ही यहाँ पर पोर्ट है। तो पैरेलली मैं जो है हर एक झालर को जो है यहाँ से ही डाटा पहुँचाता रहूँगा, ठीक है गाइज, समझ में आ गया। मैं यहाँ पर 3 इंच की पिक्सल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो दीवार की हाइट है ना वो ज़्यादा नहीं है, उसके ऊपर 5 इंच नहीं लग सकती थी। तो जहाँ पे मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा ना, वहाँ पे 5 इंच नहीं लग सकती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 3 इंच यूज़ कर रहा हूँ। बाकी आप 5 इंच या 7 इंच जो भी झालर आपके पास है वो यूज़ कर सकते हो। तो बाकी गाइज, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, मैंने जो है अपना कंट्रोलर उसके अंदर जितने भी वायर्स है ना, जितने भी सॉकेट्स है उन सब के अंदर वायर लगा ली है और इसको पावर भी दे दिया है। तो देखो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पॉजिटिव है, यानी कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये पॉजिटिव, और यहाँ पर जो जहाँ पर 5 वोल्ट लिखा हुआ है ये नेगेटिव है। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव सबसे पहले अपने पावर कंट्रोलर को दे देनी है, उसके बाद अगर आप इन वायर्स को उल्टा लगाते हो, मतलब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, तो आपका कंट्रोलर बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको कनेक्शन बहुत आसानी के साथ में करने हैं, ठीक है, सोच समझ के करने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको जो है अपना पट्टा कुछ इस तरीके से बिछा लेना है। ये देख रहे हो, ये देखो 1, 2, ये 3 पिक्सल, ये 4 पिक्सल, 5, 6, 7, मैंने क्या है इस तरीके से पूरी कितने पिक्सल 20 पिक्सल यहाँ पर इस पट्टे के ऊपर जोड़ दिए, जैसा कि मैंने आपको पट्टा बताया कि मैंने बनाया हुआ था। अभी क्या करना है आपको, देखो अब मान लो आपकी पिक्सल नंबर 1 है, ठीक है, तो आपको शुरू कहाँ से करना है, लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि उस साइड से आपको शुरू करना है, ठीक है। वहाँ पे है आपकी पिक्सल नंबर 1, फिर पिक्सल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, वहाँ पर देखो 20 अभी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब पिक्सल नंबर 1 यहाँ से एक वायर गया, पिक्सल नंबर 1 को चला गया, पिक्सल 2 को गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको जो है पिक्सल के अंदर देखो कुछ इस तरीके से होते हैं, एक तो ये वायर होता है और ऊपर से ये 2 वायर एक्स्ट्रा में दिए होते हैं। तो अगर आप पैरेलल कनेक्शन कर रहे हो तो भाई इन वायर्स का कोई मैटर नहीं है,
देखो मैंने हर एक पिक्सल के अंदर एक इन वायर्स को क्या है, एक सपोर्ट की तरह यूज़ किया है, ठीक है, जिससे कि मेरी पिक्सल यहाँ पर ही लगी रहे। और मैंने अपने कंट्रोलर को पावर दी हुई है, लाइटें सारी अभी ग्लो हो रही हैं, थोड़ी बहुत देर में मैं आपको रिजल्ट भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके के इसके अंदर इफेक्ट है, लेकिन उससे पहले कनेक्शन समझने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, इनका कोई भी मैटर नहीं है, आपको सीधा सीधा अपने फीमेल कनेक्टर से मैटर है, जो कि इसके अंदर एक कनेक्टर लगा होता है, आपको उससे लेना देना है। हर एक पिक्सल में देखो मैंने सिर्फ उसके फीमेल कनेक्टर को यहाँ पर जो है मेन रखा है, ठीक है। तो देखो क्योंकि इसमें देखो इस कनेक्टर में रेड जो है वो पॉजिटिव है, वाइट जो है वो नेगेटिव है, और जो ग्रीन है वो डाटा है। तो उस तरीके से तो मैंने किया है, देखो ग्रीन डाटा यानी डाटा कहाँ जा रहा है आपका कंट्रोलर से, और जो पॉजिटिव नेगेटिव है उनको देखो पावर दी गई है कहाँ से, सीधा पावर सप्लाई से, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है गाइस। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये सारा काम कर लेना है। इसके अंदर एक चीज़ और है, अगर आपको एक पट्टे के अंदर 100 LED ग्लो करनी है तो इस जम्पर वायर को इधर लगा दो, ठीक है। तो एक पट्टे के अंदर 100 LED आप बता रहे हो उसको, तो ये ग्लो कर देगा। उसी के साथ अगर आपको 50, मेरे एक पट्टे 50 LED है, तो मैंने इसलिए इस जम्पर वायर को यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो चलो गाइस अभी क्या करते हैं, कनेक्शन आपने देख लिए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको कनेक्शन करने हैं। तो चलो अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकल के आया है। फाइनली गाइज इन रिजल्ट जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, मेरे घर की जो ये पूरी दीवार है ये एक डिस्प्ले से कम नहीं लग रही है, और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं ना वो सब हैरान हैं, क्योंकि पिक्सल जो है ना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है, इनके अंदर हम इफेक्ट चलवा सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो अभी आप देख रहे हो एक कलर नहीं, इसके अंदर पता नहीं आपको कितने कलर मिलते हैं, और ऊपर से ये जो इफेक्ट बनाते हैं ना कंट्रोलर इसके, वो एकदम लाजवाब होते हैं। तो इस कंट्रोलर के अंदर लगभग आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट मिल जाते हैं, कितने ज़्यादा मिल जाते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता है। तो वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, सारे इफेक्ट नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो जितने इफेक्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए फटाफट से आप सब लोग इफेक्ट्स को एंजॉय कर लीजिए। तो फाइनली गाइस जैसे कि आप यहां पर देख ही सकते हो, इस कंट्रोलर के अंदर लगभग आपको सारे ही इफेक्ट मिल जाते हैं, वो सब इफेक्ट इसके अंदर अवेलेबल हैं जो कि एक थोरनम कंट्रोलर के अंदर अवेलेबल होते हैं। अप डाउन लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे ही इफेक्ट आपको इसके अंदर दे दिए गए हैं। तो ये कंट्रोलर जो है क्यों इतना ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसमें एस टाइप जेड टाइप ये कनेक्शन का कोई झंझट नहीं है, पैरेलल कनेक्शन है। अगर आप कनेक्शन करना नहीं भी जानते हो ना, अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो भी समझ जाओगे, मतलब इतने ज़्यादा आसान कनेक्शन कभी भी आपको नहीं मिलेंगे।
पैरेलल कनेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। और ऊपर सबसे अच्छी बात यह है, मान लीजिए आपकी कोई झालर बेकार होती है तो सारे इफेक्ट आपके बंद नहीं होंगे, सिर्फ वो झालर बंद होगी, और उसको बदलना भी बहुत आसान है। सीधी सीधी अपनी झालर टांगो, उसका फीमेल सॉकेट जो है, जोन से नंबर की झालर खराब हुई है ना, उस पोर्ट पर सीधा वायर वहाँ से ला के डाटा का वहाँ पर लगा दो, तो बस आपकी वो वाली झालर भी चालू हो जाएगी। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप इस कंट्रोलर को बाय करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, तो प्लीज़ कॉल मत करना, व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद आप जो है डिटेल पूरी ले सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पर हो सब्सक्राइब कर देना।